छत्तीसगढ़ जिस तरह से अपनी सादगी के लिए, प्रेम के लिए, एकता के लिए, सौहार्द के लिए, सद्भावना के लिए जाना जाता है, आज उसी का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के सभी दलों ने किया है। हमारे दल के नेता और हम लोगों के मुखिया भूपेश बघेल जी ने प्रस्ताव दिया, भाई रमेश चौबे जी ने सबको एकत्रित किया, भाई धर्मजीत सिंह जी भी यहां आए और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री का भी प्रस्ताव मुझे मेरे लिए भेजा गया, तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। हम लोग छत्तीसगढ़ के जितने विधायक चुके आए हैं उन सबके मन में छत्तीसगढ़ की सेवा की भावना ही प्रबल है और मुख्य रूप से वही है, और एक संसदीय परंपरा के नाते यहां अध्यक्ष के रूप में मुझे उसकी भूमिका का निर्वहन करना है। आज उनने जो विश्वास व्यक्त किया है मुझ पर, और विश्वास के प्रतिफल में मुझे किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए सभी दलों के प्रति सम्मान भाव रखना मेरे लिए बहुत ही परीक्षापूर्ण कार्य होगा। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मेरी मातृ संस्था कांग्रेस है, और उस मातृ संस्था कांग्रेस का मेरे जीवन में पूरा प्रभाव रहा है और रहेगा, मगर जहां मैं आज संधि ग्रहण करूंगा उस दिन से, उस समय से मेरे मन में सभी दलों के प्रति समान भाव प्रकट करना, उनके सभी की बातों को सुनना, सबके प्रति प्रेम और भाव और सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना हो इस बात को देखना, और एक दूसरे को हमारे विपक्षी दल के साथ, हमारे पक्ष के दल के साथियों का जो बर्ताव हो वो बेहतर हो, प्रेमपूर्ण हो, सम्मानजनक हो, इस बात का भी मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव से उन लोगों ने मुझे यहां आज नामांकन दाखिल किया है, मैं उस भाव को निश्चित रूप से यहां छत्तीसगढ़ में प्रदर्शित करके दिखा। ऐसा लगता है विपक्ष शोरगुल हो जाएगा, तो विपक्ष ने आपका साथ दिया है इस उम्मीद से कि आप विपक्ष का साथ देंगे? मैं निश्चित रूप से आभारी हूं सभी विपक्षी दलों का जिन्होंने विश्वास किया, और जिस ढंग से हमारे संसदीय मंत्री जी यहां भाई रविन्द्र चौबे जी सबको निवेदन किया, सबको एक साथ आने के लिए आग्रह किया, उनको उस इस आग्रह को बड़े लोगों ने सहज भाव से लिया, सहज ढंग से लिया और यहां आए, ये भूमिका तो रविन्द्र चौबे जी की है, मैं उनके प्रति भी सम्मान प्रकट करता हूं। तो ये जो है, जब शुरू से हम लोग सोच रहे थे कि यामन बातें ऐसी होती थी, तो ये मंत्री या स्पीकर में से चुनाव किसने किया, आपने किया, पार्टी ने किया या भूपेश बघेल जी ने किया? नहीं, मैंने खुद स्वयं किया कि मैं मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में भी काम कर चुका हूं लंबे समय से, और आप लोगों की कृपा से कुछ दिन केंद्र में भी रह चुका हूं, तो मुझे लगा कि अब नई भूमिका में जाना चाहिए और संसदीय कार्य के बारे में और कुछ मुझे सीखना भी है और जानना भी है और अपने ज्ञान को बढ़ाना भी है, इसलिए मैंने इस कार्य को। चुनौतीपूर्ण कौन सा काम आपको लगता है दोनों में से? चुनौतीपूर्ण कार्य यही है जो मुझे सौंपा जा रहा है, और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को मैं बहुत सहज ढंग से निभाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। परिपाटी बनी हुई है और आगे बढ़ाया जाए, निश्चित रूप से जो परिपाटी बनी है छत्तीसगढ़ की उसको और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे, और अभी तक तो केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ ने पहचान बनाने की कोशिश की है, मैं उस पहचान को और आगे ले जाऊंगा, और छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाए, अपना नाम कमाए, ये मेरी कोशिश होगी। अभी तो आप चूंकि चेयरमैन नहीं बैठे हैं, अभी अभी तो मैं खड़ा हुआ हूँ आपके सामने, इतना पक्ष हो गया, विपक्ष का क्या होगा? और मेरे नामांकन पत्र भरने में पक्ष विपक्ष और सभी ने बराबर की भूमिका निभाई है, इसलिए अभी किसी के बारे में कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। थैंक यू।